हेलो एवरीवन, आई एम आशीष नोटियाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सबकी प्रैक्टिस चल रही होगी हमेशा की तरह। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं, जैसे कि हमने इसे पिछले लेसन में सीखा था जो तबले का लेसन था, उसमें हमने सीखा तीन ताल आपने कैसे बजाना है। उससे पहले मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप दोनों हाथ कैसे चला सकते हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से जो बेसिक लेसन है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। इसमें हम सीखने वाले हैं तीन ताल के दो बेसिक कायदे। ये कायदे खासकर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा सा हाथ रनिंग में आ जाए। उसके लिए हमें कायदों की कुछ प्रैक्टिस करनी होती है। हालांकि मुझे पता है, जैसे कि आप लोग कमेंट करते रहते हैं, आप लोग ज़्यादा क्लासिकल या कायदे पलटों की तरफ ज़्यादातर नहीं जाना चाहते। लोग सभी ये चाहते हैं कि कुछ कहरवा दादरा या जो लाइव में जो संगत में जो ज़्यादातर बजाया जाता है वहाँ से स्टार्ट किया जाए और वहीं से हम सीखना शुरू करें। हालांकि ये सही तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस पहले करना चाहिए जिससे कि आपका हाथ थोड़ा सही हो जाए, वो सब चीज़ें बजाने के लिए, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें सभी बोलों का एक मिश्रण होता है, दादा तिट है, तिरकिट का है ना, या धिन है, या तू तू ना है, ये सब बोल इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना आपको पहले ज़रूरी है। उसके बाद कहरवा दादरा भी मैं बहुत जल्दी ही स्टार्ट करूँगा, जैसे कि मैंने ढोलक पर सीधे कहरवा से स्टार्ट किया था। अभी वहाँ पर तुरंत कुछ टाइम बाद दादरा शुरू करने वाला हूँ उन्हीं लेसन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ 20 लेसन अपलोड हो चुके हैं ढोलक के। तो अभी हम इसमें अब सीखने वाले हैं दो बेसिक कायदे, मैं आपको बताऊँगा, दादा तिट धादा तूना वाला और दादा तिरकिट धादा तूना वाला। ये लगभग सेम ही है, तिट की जगह तिरकिट हमें बजाना होता है, बाकी सेम बजाया जाता है। तो ये दो चीज़ें मैं आपको इसमें आप बताने वाला हूँ, ठीक है। एक कायदा एक पलटा और तिहाई केवल बताऊँगा, ठीक है। उसमें से आप पलटे अपने आप भी बजा सकते हैं अगर आप थोड़ा ज़्यादा मतलब इसमें ये चाहते हैं कि हम मैं इसमें ज़्यादा कुछ बजाऊं, तो इसमें पलटे आप अपने आप ज़्यादा भी बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले धादा तिट धादा तूना, ये तीन ताल में बजाया जाता है, 16 मात्रा का ये जो है कायदा है। धा धा तिट धा धा तिट धा धा तूना, फिर ता ता तिट धा धा धीना, लास्ट में तूना भी लोग बहुत सारे बजाते हैं, लेकिन मैं धी इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका जो बोल है वो अच्छे से सही हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बोल इसमें कवर हो जाए और आपका हाथ जल्दी से थोड़ा सा रनिंग में आ जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन सीखने का क्या फ़ायदा होता है, अभी मैं जो लेसन आपको दे रहा हूँ हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, या आप जो इसको प्रैक्टिस करते हैं आप किसी से पूछ नहीं पाते हैं कि मैं सही प्रैक्टिस कर रहा हूँ या नहीं। इसके लिए होती है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आमने सामने बैठ के हम लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम बातचीत करते हैं। उसकी फीस होती है, वो फीस मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कॉल करेंगे या मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो हम आमने सामने बैठ के क्लासेस आप ले सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब से ही सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट करना चाहिए। जो घंटे का साइन आप साइड में देख रहे हैं उस पर क्लिक करें, ऑल का साइन आएगा, उस ऑल पर क्लिक कर देंगे तो जब भी मैं कोई नया लेसन अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीन ताल का ठेका, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, वो आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। जैसे कि धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा, इस तरीके से तीन ताल का था हमारा ठेका। अभी इसी के साथ हम कुछ और चीज़ें बजाना सीखेंगे, जैसे कि धा धा ती धा धा तू ना ता ता ती धा धा धी ना, ये कायदा हम पहले सीखेंगे, फिर इसका एक पलटा और इसमें तिहाई आप कैसे बजा सकते हैं वो सब हम इसमें सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धा, इसको थोड़ा सा म्यूट करेंगे ऐसे, धा और दूसरा वाला धा ओपन ऐसे इंडेक्स फिंगर से, ठीक है। तो धा धा ती ती जो है आप पहले सीधा वाला तिट बजाएंगे, ठीक है, ती ट ऐसे, ये वाला तिट बजना चाहिए। धा धा ती ट धा धा तू ना, दोबारा से देखेंगे पहले ये वाला पार्ट, धा धा ती ट धा धा तू ना, उसके बाद आएगा ता ता ती ट, फिर आएगा धा धा फिर धी ना, ठीक है। धी हमने ऐसे बजाया, ठीक है, धी यहाँ से तीन बजाए, फिर यहाँ से ये धी, लास्ट में ना, इस तरीके से पूरा बजाया जाएगा ये वाला कायदा। कैसे, एक बार फिर से धा धा ती ट
धा धा तू ना, उसके बाद ता ता ती धा धा धी ना, ठीक है, ये कायदा हो गया। अभी पलटा क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। कायदे में 16 मात्राएं होती है, पलटा मतलब उस कायदे को थोड़ा सा घुमा फिरा कर और उसको थोड़ा सा उसका विस्तार करना, उसको थोड़ा बड़ा करना, उसको पलटा बोला जाता है। कायदे में जो बोल होते हैं उन्हीं को थोड़ा बड़ा करके, मतलब जैसे कि इसमें 16 मात्राएं हैं तो उसमें हम बड़ा चढ़ाकर 32 मात्राएं कर देंगे, तो वो पलटा इसी तरीके से पलटा ज़्यादातर बनाया जाता है, मतलब पलटा उसका विस्तार रूप हो गया कायदे का। तो इसी तरीके से आप पलटे अपने आप भी बना सकते हैं। जैसे कि एक पलटा है इसका नॉर्मल सा, धा धा तेट धा धा तेट धा धा तेट धा धा तूना, फिर ताता तेट धा धा तेट धा धा दीना, ठीक है, इस तरीके से एक पलटा बन गया। तो एक पलटा मैं आपको इसका बता देता हूँ, उसके बाद क्या है कैसे बजाना है। धा धा ती त, फिर से धा धा ती त, फिर धा धा ती त, लास्ट में धा धा तू ना। अब खाली वाला पार्ट, ता ता ती त, फिर ता ता ती त, फिर लास्ट में धा धा ती त, फिर धा धा धी ना। इसके बोल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, क्योंकि ये बोल ज़्यादा थोड़ा बड़े हैं तो मैं यहाँ पर इसको नहीं स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए पलटे को, धा धा ई त धा धा ई त धा धा ई त धा धा तू ना, उसके बाद ता ता ती त, फिर ता ता ती त, फिर लास्ट में धा धा ती त, फिर धा धा धी ना। यह है, अब इसकी तिहाई कैसे आप बजा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि धा धा ती त धा धा तू ना, ये पूरा बजा के, फिर है धा वन, धा बजा के एक बार इसको एक मात्रा यहाँ पर छोड़ देना, मतलब म्यूट है यहाँ पर, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हैं धा वन, फिर दोबारा ये धा धा ती त धा धा तू ना धा वन। ये जो वन लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा रुकना है एक मात्रा वन, फिर दोबारा से धा धा ती त धा धा तू ना धा दिन, लास्ट में जो धा आएगा वहां से आप सीधे ठेका बजाना स्टार्ट कर सकते हैं तीन ताल का। कैसे, जैसे लास्ट वाला लास्ट वाली लाइन है धा धा ती त धा धा तू ना धा दिन दिन धा, यहां से ठेका स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके आप ये वाला पार्ट आप ऐसे बजा सकते हैं कायदा। अब इसी में ये ही वाला कायदा में केवल तिट की जगह तिरकिट का यूज करना है, उसके मैं बोल आपको लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी सेम बजेगा, ठीक है। जैसे कि हमने धा धा तिट बजाया, तो यहाँ पर आप धा धा तिरकिट बजाना है आपने, कैसे, धा धा तिरकिट धा धा तू ना, फिर ता ता तिरकिट धा धा धी ना, ठीक है, धा धा तिरकिट धा धा तू ना, फिर ताता तिरकिट धा धा दीना, जैसे कि शुरू वाला था वैसे, उसमें तिट की जगह तिरकिट हमने केवल लिया है, ठीक है। धा धा तिरकिट धा धा तू ना ता ता तिरकिट धा धा धी ना, ठीक है, ये हो गया, ज्यादा हार्ड या नहीं है। तिरकिट हम कैसे बजा रहे हैं, धा धा तिरकिट, ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ तिरकिट कैसे बजाना है, तिरकिट, उसके बाद धा धा तू ना, उसके बाद फिर खाली वाला पार्ट ता ता तिरकिट, फिर धा धा धी ना, ऐसे, ठीक है। अब इसका पलटा कैसे बनेगा, धा धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा धा तिरकिट धा धा तू ना, फिर ता ता तिरकिट
है, इस तरीके से तिहाई इसमें सेम कैसे बजाई जाएगी जैसे शुरू में बजाई थी, धा धा एर एट धा धा टू ना धा वन, फिर धा धा एर एट धा धा टू ना धा वन धा धा एर एट धा धा टू ना धा, यहाँ से ठेका स्टार्ट हो जाएगा लास्ट में। इस तरीके से आप इनको बजा सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, और क्योंकि जैसे मैंने बोल पहले बता चुका हूँ तो उम्मीद है आपको ये बोल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, मैंने थोड़ा स्लो में आपको बताने की कोशिश की है। अभी आप इनको तीन ताल के साथ कैसे बजा सकते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ठेका बजा रहे हैं कैसे, कंप्लीट आप इसको बजा सकते हैं। ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे थोड़ा हाथ क्लियर हो जाएगा, बोल आपके थोड़ा साफ हो जाएंगे, तो आगे जो भी आप लाइट के जो भी फिर बोल सीखेंगे उनको सीखने में आसानी होगी, उनको बजाने में आसानी होगी और आपका हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगेगा। तो स्टार्टिंग में जरूरी है कि आपके सबसे पहले बोल साफ हो जाए, बोल एक बार क्लियर हो गया आपका तो आप कोई भी बोल आसानी से बजा सकते हैं, फिर वो कहरवा हो, तीन ताल हो, कोई भी ताल हो, ठीक है, तभी आप अच्छे से संगत कर सकते हैं। और लय में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है, उसके लिए पुराने वीडियोज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट लेसन ढोलक का अपलोड होगा, और उसके बाद इसी तरीके से जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ एक लेसन तबले का, फिर ढोलक का, तबले का, ढोलक का, इसी तरीके से आगे भी अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो भी फीस है वो मैं आपको बता दूंगा मैसेज में, या आप कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।